पृथ्वी का चल रहा है, हैं? पृथ्वी का चल रहा है। अब आपका लक्षण बताओ। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम अभावत्तम। फिर अभावत्तम क्यों कहते हो? प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम। बस इतना ही बोलो ना, बताइए। द्रव्यादि षडक अन्य अन्य अभावत्तम। हाँ, ये भी लक्षण है। द्रव्यादि षडक अन्य अभावत्तम, ये भी लक्षण हो जाएगा। समझ में ना? ऐसा है, ठीक है। अभाव कितने प्रकार के हैं विवेक बताओ? अभाव कितने प्रकार के, क्या क्या है? ठीक है, तो अनन्य भाव का दूसरा नाम बताइए। अनन्य भाव को क्या बोलते हैं दूसरा? अनन्य भाव नहीं, संसर्ग अन्य भाव को क्या कहते हैं बोलो? तुम जो मालूम है तेरे को, अन्य भाव का दूसरा नाम होता है भेद। अन्य भाव को क्या कहते हैं न्याय में? भेद बोलते हैं। दूसरा नाम होता है भेद। अन्य भाव को हो भेद को हो पर्याय है, कल बताया था, ठीक है नारायण? तो अब जो है पृथ्वी आया, पृथ्वी का लक्षण हो गया गंधवत्वम। पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंधवत्वम। गंधवत्व का अर्थ गंध, ठीक है। तो पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्य और अनित्य। नित्य पृथ्वी, अनित्य पृथ्वी, ठीक है ना? हाँ, तो नित्य पृथ्वी कितने भेद है विवेक? भेद नहीं है, नित्य पृथ्वी के भेद नहीं है। और अनित्य पृथ्वी के भेद कितना है, क्या क्या है? विषय, शरीर भेद से, इंद्रिय भेद से और विषय के भेद से। समझ में कि नहीं आया? ऐसा शरीर को बताएंगे, शरीरम अस्मदादिनम, हैं? तो शरीर किसको कहते हैं जानते हैं? शरीर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं शरीर? भोगायतनम शरीरम। भोगायतनम शरीर तो है, ठीक है, लेकिन भोगायतनम शरीर, भोगायतन तो हाथ में भी है। तो हाथ शरीर है क्या? भोगायतन हाथ भी है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? भोगायतनम शरीर लक्षण तो कहते हैं, सुख दुख भोगायतनम शरीरम। क्या चेष्टा आश्रय, हाथ में भी चेष्टा हो रही है तो हाथ शरीर है, हाँ? नहीं है ना, ये तो सामान्य है चेष्टा आश्रय, ये भी लक्षण है, लेकिन अंतावयवित्व सती कहते हैं। अंत्यावयवित्व सती चेष्टाश्रयत्वम, ये शरीर का लक्षण होता है। अंत्यावयवित्व सती चेष्टाश्रयत्वम, ठीक है क्या? चेष्टा आश्रयत्वम इसको कहते हैं क्या? शरीर, इसको कहते हैं शरीर। अंत्याविवृत्ति सती चेष्टा आश्रयत्वम। अंत्यावयवी, अंत्यावयवी क्या है? शरीर, सुन रहे हो? जैसे देखो घट को दो टुकड़ा करने पर कपाल होता है, फिर कपाल से कपालिका होता है, हाँ? फिर इसी प्रकार तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, है ना? तो कपाल का भी अवयव है कि नहीं है? तो कपालिका जो है अवयवी है, अवयवी है, अवयवी है, हाँ? कपाल भी अवयवी है, है? उसका अवयव कौन? कपालिका है, उसका अवयव कपालिका है कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? आ गया क्या? कपाल हो गया अवयवी, उसका अवयव कपालिका, है कि नहीं? आया कि नहीं? और घट क्या हो गया? वो भी अवयवी है। तो अंतिम उसका कोई, हाँ, घट किसका अवयव है?
नहीं, किसका अवयव है? घट किसी का अवयव नहीं है, इसलिए घट को क्या बोलेंगे? अंत्यावयवी, है ना? ऐसा नहीं मैंने, जो किसी का अवयव नहीं है उसको कहते हैं क्या? अंत्यावयव, अंत्यावयवी, जो किसी का अवयव नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अंत्यावयवी। समझ में आ गया नहीं? ठीक। इसी प्रकार शरीर, ये शरीर किसका अवयव है? किसी का अवयव नहीं है, ये शरीर को बोलेंगे अंत्यावयवी। और चेष्टा का आश्रय भी है कि नहीं? चेष्टा का आश्रय भी है, नहीं है? तो ये हो गया शरीर का लक्षण है कि नहीं? भोगायतनम शरीरम ऐसा भी कहते हैं, भोगायतनम शरीरम, सुख दुख भोगायतनम शरीरम। और चेष्टा किसको कहते हैं मालूम है? चेष्टा देखो, हिता हित प्राप्ति परिहार अनुकूला क्रिया, इसको कहते हैं चेष्टा। हिता हित प्राप्ति परिहार अनुकूल क्रिया चेष्टा, अनुकूल क्रिया, ये चेष्टा का लक्षण हो गया। हिता हित प्राप्ति परिहारानुकूल क्रिया हो गया नारायण, लिखा आपने क्या लिखा? हिता हित प्राप्ति परिहार अनुकूल क्रिया चेष्टा। हाँ, जो हित है उसके लिए प्राप्ति की चेष्टा करते हो ना, जो आपके लिए क्या है हित हो उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हो ना, अनुकूल चेष्टा, अनुकूल क्रिया, मतलब अनुकूल क्रिया कि नहीं, है ना? जैसे लड्डू है तो लड्डू हित है कि नहीं? तो उठाओगे कैसे? उठाओगे ऐसे उठाओगे कि ऐसे घुमाकर ऐसे कर उठाओगे? ऐसे उठाओगे ना? हाँ, समझ में आया कि नहीं? फिर जो कैसे खाना है वो भी सिखाती कि नहीं भैया? हाँ, तो बंदर ने भी सिखाती है। सब ये तो व्यवहार चलता है क्या? ये अनुकूल क्रिया होगी कि नहीं? कितना खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है कि ऐसे मुंह करके डालना है? क्योंकि इतना चावल ऐसे एक करते पूरा डाल देते मुंह में, करते हैं ऐसे कोई के भोजन में? मैं देखा हूँ। क्योंकि इतना गोल मोटा करेगा, ऐसे करेगा पूरा मुंह में डाल देगा, तो आराम से खाना चाहिए ना, क्योंकि गाड़ी थोड़ी छूट रही है। कि नहीं, क्यों भाई? भोजन तो आराम से करना चाहिए ना, चाहे रोटी हो, कोई कोई दो टुकड़ा करते हैं बस, रोटी दो टुकड़ा किया, आधा टुकड़ा एक ग्रास में, आधा टुकड़ा पूरी रोटी। भाई उनका तो वो तो विशेष है, अपवाद है वो, अपवाद है वो तो दो रोटी को एक साथ भी खा सकता है, लेकिन हम लोग तो नहीं कर सकते ना। तो क्यों भाई, पेट खराब हो जाएगा है? तो अनुकूल कहा, इसलिए क्या कहा? हित प्राप्ति में अनुकूल क्रिया नहीं, और अहित में परिहार हटाना। जो अहित है इसलिए हिता हित कहा ना, हित अहित, हाँ, अहित को क्या करेंगे? परिहार। हित को क्या करेंगे? प्राप्ति। प्राप्ति के लिए अनुकूल क्रिया, और अहित का परिहार के लिए अनुकूल क्रिया, उसको क्या बोलते हैं? चेष्टा। हाँ, वो चेष्टा का आश्रय कौन हो गया? शरीर हो गया कि नहीं हो गया, है ना? अथवा ऐसा भी कहते हैं, हैं, अंत्यावयवित्व सति इंद्रिया आश्रयत्व, ये भी शरीर का लक्षण है। अंत्यावयवित्व सति इंद्रिया आश्रयत्व, इंद्रिया आश्रयत्व, इंद्रिया आश्रयत्व, है ना? अंत्यावयवित्व सति इंद्रियाश्रत्व, है ना? जो अंत्यावयवी हो और क्या हो? इंद्रिय का आश्रय। इंद्रिय कहाँ रहेगी? शरीर में रहेगी, इंद्रिय शरीर में रहेगी कि नहीं? और पहले और एक बताया था ना अभी, अंत्यावयवी सती भोगाश्रयत्व, ये भी होगा, भोग का आश्रय, भोग का आश्रय हो जाएगा ना,
भोग का आश्रय है। भाषण भाई हाँ, भोग का आश्रय कौन है? शरीर होता है। हो गया आगे, ज़्यादा आप विचार नहीं, फिर आगे करेंगे ना। तो ये हो गया शरीर, उसके बाद क्या होता है? इंद्रिय। उसके बाद क्या होता है? इंद्रिय। इंद्रिय, इंद्रिय किसको कहते हैं मालूम है? इंद्रिय का यहाँ पर दीपिका में दिया है, दीपिका में देता है, ये कहीं दिया है हाँ? तो शब्दे इतर उद्भूत विशेष, यहाँ पर दिया है, देखो दीपिका में दिया है, 24 नंबर पृष्ठ में दिया है। शब्दे इतर उद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्व सती ज्ञान कारण मनोसंजोग आश्रयत्वम, ये लंबा जोड़ा दिया है भैया। आप लोग के पास दीपिका है? नहीं है हाँ? दीपिका बहुत अच्छा ग्रंथ है ना? दिया है सबसे ऊपर तो दिया है। देखो शब्दे इतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व सती ज्ञान कारण मन संजोग आश्रयत्वम, ये होगा इंद्रिय का लक्षण, ये हो जाएगा इंद्रिय का लक्षण है ना। तो न घबराओ, क्योंकि शब्द है, शब्द शब्द से जो भिन्न है, जो उद्भूत विशेष गुण, उद्भूत विशेष गुण, उद्भूत विशेष गुण क्या होता है? रूप रस गंध, इसको को विशेष गुण कहते हैं। गुण कितने प्रकार के? 24। उनमें से कुछ विशेष गुण होते हैं, रूप आदि कुछ विशेष गुण होते हैं, है ना। हाँ, उस विशेष गुण का आश्रय ना हो, विशेष गुण का आश्रय ना हो, है कि नहीं। और ज्ञान का कारण जो मन का संजोग, ये लोग क्या मानते जानते हैं? मन का संजोग होता है आत्मा में, क्या मन का संजोग होता है आत्मा में? तो मन का जो संजोग है ये ज्ञान का कारण है, क्या समझ है? कारण मानते हैं, समझ में ना? क्या है? मन का जो संजोग होगा, बस समझ में ना, मन का जो संजोग है ना, ये ज्ञान का कारण होता है। मन और इंद्रिय का संजोग, क्या मानते हैं लोग? मन और इंद्रिय का संजोग, सुनते हो भाई, है ना। मन का इंद्रिय के संजोग ना हो तो ज्ञान नहीं होगा, क्या नहीं होगा? ज्ञान नहीं होगा। तो संजोग कहाँ रहेगा? हाँ, दोनों में रहेगा, मन में भी रहेगा और इंद्रिय में भी रहेगा, चक्षुरादि में, चक्षुरादि में कहाँ रहेगा? चक्षुरादि में। इसको आगे करेंगे, चिंता ना करो, छोड़ दो इसको, नहीं तो ज़्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो संयोग से यहाँ पर इंद्रिय और मन का, और आत्मा और मन का, दोनों को लिखते हैं, दोनों का होगा, इंद्रिय और मन का भी होगा और आत्मा और मन का भी होगा, इसको लेना है संयोग से, सुनते भाई। हाँ, जैसे मान लीजिए घट हो गया, घट हो गया ना, तो घट का संयोग हुआ किसके साथ? चक्षु के साथ। हाँ, लेकिन चक्षु से तो चक्षु का संबंध तो है घट के साथ, और आपका मन चला गया कहाँ? हर की पौड़ी, बोलो तो ज्ञान होगा। तो इंद्रिय के साथ मन का भी संयोग होना चाहिए, होना चाहिए कि ना चाहिए, लग गया। हाँ, और मन का आत्मा के साथ भी होना चाहिए, ज्ञान तो आत्मा में होगा ना, फिर मन का भी संयोग होना चाहिए, ऐसा मानते हैं लोग, लग गया ना। इसलिए आत्मा और मन का संयोग जो हो रहा है, इसका आश्रय मन भी हो गया, संयोग का आश्रय कि नहीं हो गया, कि नहीं हो गया। और इंद्रिय और मन का जो संयोग हो रहा है, संयोग का आश्रय इंद्रिय भी हो गया, इसलिए मन भी इंद्रिय है और चक्षुरादि भी इंद्रिय है। चलो इसकी चिंता ना करो। तो पृथ्वी से होने वाले इंद्रिया क्या है? घ्राण इंद्रिय। चलो ये है ना, मूल में देखो, मूल में देखिए है ना। तो इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम, क्या लिखा है बोलो? इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम, मतलब घ्राणम, ये हो गया लक्ष्य। पृथ्वी से होने वाले इंद्रियों को क्या बोलते हैं? घ्राण इंद्रिय, घ्राण है, लगे ना। हाँ, ये घ्राण इंद्रिय के द्वारा किसका ज्ञान होगा? गंध का, है ना। हाँ, कहते हैं देखो, गंध ग्राहकम, ग्राहक मतलब जानते हैं, ग्राह मतलब ज्ञान का जनक को बोलते हैं ग्राहक,
ज्ञान का जनक को बोलते हैं ग्राहक। तो गंध विषय के ज्ञान का जनक कौन होगा? घ्राणेन्द्रिय नहीं, बात समझ में कि नहीं है? तो गंध का ग्राहक मन भी है कि नहीं? गंध ग्राहक का मन भी है, मन भी है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर वो तो दूसरे से भी, दूसरे के लिए भी है। मन तो सभी विषय के लिए है कि नहीं? बात समझ में ना? ठीक है, इसलिए मन को यहाँ पर नहीं लेना है, है ना। केवल गंध विशेष के प्रति जनक कौन है? घ्राणेन्द्रिय है, बात समझ में ना? और गंध का ग्राहक काल भी है कि नहीं? सुन रहे हो? अरे आपको गंध का जो ज्ञान होगा ना किसी काल में तो होगा, तो काल भी हेतु होता है, काल भी हेतु हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो गया। और गंध का ग्राहक का गंध भी होगा नहीं होगा? अरे गंध नहीं हो तो गंध का ज्ञान कहाँ से होगा? और सुनते रहो, गंध यदि न हो तो गंध का ज्ञान हो जाएगा? तो गंध ज्ञान के प्रति गंध भी क्या होगा? हेतु हुआ कि नहीं, कारण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हुआ कि नहीं हुआ? ईश्वर की इच्छा न हो तो आपको गंध का ज्ञान होगा? ईश्वर की इच्छा भी चाहिए, इसलिए गंध का ग्राहक गंध भी है, ईश्वर भी है, ईश्वर की इच्छा भी है, बहुत सारे है कि नहीं? लेकिन गंध का ग्राहक जो इंद्रिय है कौन है? वो घ्राण, वो घ्राण इंद्रिय है। बस में गंध के ज्ञान का जनक जो इंद्रिय है वो कौन है? घ्राण। दूसरा कोई है नहीं, दूसरा नहीं, लग गया। ये किससे बनती है घ्राण इंद्रिय? पृथ्वी से बनती है। नित्य है कि अनित्य? अनित्य, हमेशा ये घ्राण इंद्रिय नहीं रहेगी। आए क्या? हाँ, कोरोना में चला गया। ये कोरोना में तो नहीं जाता है घ्राण इंद्रिय, उसका गोलक जाता है। क्या जाएगा? गोलक जाएगा ना, गोलक जाएगा ना। हाँ, फिर जो है वो दवाई ले लेते, फिर आगे कि नहीं आगे? हाँ, मेरा भी हुआ था, किसी को पता नहीं यहाँ पर। हाँ, कोरोना तो हमको भी हुआ था, लेकिन हाँ, मैं किसी को नहीं बताया यहाँ पर, काहे को बताना फिर? हाँ, जो बताएगा, जिसको बताए वो डर जाएगा वो। हाँ, मैं लक्षण घटाया तो घट रहा था, कोई भोजन लाए तो कुछ भी खुशबू नहीं, सब बराबर। है ना, ऐसा। चलो, इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। ये कहाँ रहती है घ्राण इंद्रिय? नासा के अग्रभाग भाग में रहेगी। अग्रभाग कहाँ? ये है कि ये है? ये के ये वाला है नहीं। और नाक काटोगे तो पता लगेगा? सूर्यपूर्ण का पता होता? हाँ, सूर्यपूर्ण नाक काट दिया ना, ना उनको गंध का ज्ञान हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? पता नहीं होगा, कैसे होगा? ये तो नहीं रहा तो कैसे होगा? हाँ, तो गोलक में तो इंद्रिया रहेगी, गोलक नहीं हो तो इंद्रिया क्या करेगी? ये आँख को हटा दो तो कैसे रहेगी? चक्षु क्या करेगी? गोलक को हटा देगा, चक्षु कहाँ रहेगी? है ना, है कि नहीं? चलो आगे बढ़े। हाँ, तो ना अग्रवर्ती से इसी को लेना चाहिए, सामने को लेना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? सामने लेना चाहिए। चलो, विषयो मृत पाषाणादि, क्या कहा? हाँ, विषय है, विषय विषय। हाँ, विषय कौन है? पृथ्वी के, मतलब मिट्टी है, पाषाण है, समझ में ना? हाँ, आदि सब ले लो, जितने भी है सब। हाँ, घृत भी, घृत क्या है? घृत भी पार्थिव है, घृत भी पार्थिव है। ये सब विषय में आ जाएगा, पार्थिव विषय में ये सब आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसा है। तब विषय किसको कहते जानते हैं? इसमें दिया है, शरीर से इंद्रिय से भिन्न हो और उपभोग का साधन हो, इसको कहते हैं विषय। क्या कहते हैं? विषय। इसको कहते हैं विषय। किसको? जो शरीर से भिन्न हो और क्या हो? है, हाँ, उपभोग का हो, साधन हो, उसको कहते हैं विषय। इसी का नाम होता है विषय, ठीक है नारायण?
ऐसा कह दिया है ना। ऐसा है, ठीक है। और चीनी क्या होगा? चीनी भी प्रति घी हो, तेल हो, है कि नहीं? नमक हो, गुड़ हो, ये सब के सब किस में आएंगे? सब पार्थिव पदार्थ है। और क्या है? ये सब पार्थिव पदार्थ है। बराबर है क्या? आपने कहा है समुद्र है, तो क्या होगा? समुद्र में नहीं रहेगा ये? समुद्र से जो निकलेगा उज्जवल ही होगा क्या? समुद्र से शंख भी निकलता है क्या? नहीं निकलता शंख, तो वो भी जल है क्या? समुद्र जो भी निकलेगा वो जल है। क्यों भाई? ऐसा समुद्र से निकला तो क्या हुआ, है ना? चलो आगे बढ़े हैं। बोलते हैं आपने विषय किसको बोलते हैं? अभी क्या लिखा आपने? हाँ, शरीर इंद्रिय से भिन्न हो और उपभोग का साधन। क्यों? उपभोग का साधन शरीर भी है कि नहीं? उपभोग का साधन इंद्रिय भी है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? हाँ, लेकिन हमने इसको अलग किया। शरीर से इंद्रिय से जो भिन्न हो, हाँ, और ऐसा जो उपभोग का साधन हो उसको कहते हैं विषय। क्या कहते हैं? विषय। बात समझ में? क्या कहते हैं? हाँ, उपभोग का साधन तो शरीर भी देखा जाए तो क्या, उपभोग का साधन तो इंद्रिय भी है, नहीं है? बराबर है कि नहीं? क्या कहा इसलिए? लेकिन देखा जाए शरीर भी विषय है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? क्या देखा जाए तो शरीर विषय नहीं है क्या? अरे शरीर को देखकर कितना लोग सुखी होते हैं। लड्डू से इतना सुख नहीं होता, शरीर को देखकर सुखी होते हैं। माता देखो बच्चे को देखती है, खुश हो जाती है। बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है, तो माँ खुश हो जाती है। हाँ, तो विषय है कि नहीं? वो है। हाँ, इंद्रिय भी विषय है। इंद्रिय भी क्या है? विषय ना। भले ही हमारा विषय जोगी का तो हो जाएगा, विषय जोगी का नहीं हो जाएगा? जोगी का विषय हो जाएगा, परमात्मा के लिए विषय है ये इंद्रिय। हो गया कि नहीं? विषय फिर भी क्या है? बुद्धि की विशारदा के लिए, बुद्धि की प्रतिभा के लिए इसको भेद कर दिया। यद्यपि भोग का, यद्यपि विषय शरीर इंद्रिय भी है, जैसे मृत पाषाण आदि जैसे विषय है, इसमें का शरीर इंद्रिय भी क्या है? विषय है। फिर भी शरीर इंद्रिय से इसको अलग करके कहा विषय। किसको? मृत पाषाण आदि को। भाषण में ऐसा कह दिया, ठीक है। चलो, ये पृथ्वी का हो गया। उसके बाद क्या है? जल। शीता स्पर्शवत्य आपह, ताद्विधाः नित्यः अनित्याश्च, नित्यः परमाणुरूपः, अनित्याः कार्यरूपः, पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रियविषभेदा, शरीरं वरुणालोके, इन्द्रियं रसग्राहकं रसनम्, जिह्वाग्रवर्ति विषयः सरित्समुद्रादिः। देखो लिखे भाई, कहते हैं कि शीत स्पर्शवत्यः आपः। लक्षण क्या हुआ? शीत स्पर्शवत्य, शीत स्पर्शवत्वम। लक्षण क्या करेंगे? शीत स्पर्शवत्वम। इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में? शीत, शीत स्पर्श वाले का धर्म, मतलब शीत स्पर्श। शीत स्पर्शवत्वम का क्या अर्थ होगा? शीत स्पर्श। नहीं, गंधवत्वम का क्या अर्थ है? गंध।
शीतस्पर्शवत्तम का क्या अर्थ होगा? शीतस्पर्श। तो शीतस्पर्शत्तम शीतस्पर्शवत्तम शीतस्पर्श, ये हो गया लक्षण। किसका लक्षण होगा? जल का। आप हो, आप में क्या विभक्ति है? प्रथमा का बहुवचन, समझ में ना। हाँ, द्वितीय का बहुवचन क्या बनेगा? ना, अपह बनता है। हाँ, याद नहीं आ बोला हमको। आप शब्द का चलो चलो, आपो कहाँ से बोल रहे हैं? आप हो, उसके बाद अपह बोलो ना। आप हो, अपह, आगे बोलो। दो आदमी बोल रहे हैं, ऊपर नहीं बोल रहे हैं। आपको नहीं याद है? हे भगवान, आप शब्द यदि याद नहीं होगा तो कैसे होगा? आप शब्द याद करो। ये प्रथमा का बहुवचन आप हो, ठीक है। हाँ, इसलिए ये भी बहुवचन हो गया। सीता स्पर्शवत्य प्रातिपदी क्या होगा? सीता स्पर्शपति, जैसे नदी का नद्य है, सीता स्पर्शपति का सीता स्पर्शवत्य है। भाषण में ऐसा कह दिया है ना। सीता स्पर्श कितने प्रकार के स्पर्श होते हैं मालूम है? तीन, शीत, उष्ण और अनुष्ण शीत। शीत स्पर्श कहाँ रहता है? केवल जल में रहता है। जहाँ पर शीत स्पर्श रहेगा वही जल है, वही जल है, और समवाय संबंध से ये कहेंगे है ना। शीत स्पर्श तो काल में भी रहता है, शीत स्पर्श काल में भी रहेगा। हाँ, ये ठंडी होती है कि नहीं, लोटा पकड़ेंगे वो भी ठंडा लगता है, नहीं लगता है? लोटा पकड़ेंगे तो कपड़ा भी ठंडा लगता है, जहाँ छू लेंगे वही ठंडा लगता है। तो शीतस्पर्श है कि नहीं वस्त्र में? है ना, लेकिन समवाय संबंध से नहीं है। शीतस्पर्श केवल जल में रहेगा ऐसा ही लोग मानते हैं, समझ में ना। संयुक्त क्या बोलते हैं, संयुक्त क्या बोलते, रुको 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 रुको, शीतस्पर्श है ना। तो शीतस्पर्श जो वस्त्र में रहेगा, स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंध से रहेगा, स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंध से होगा। हाँ, ऐसा मानते हैं, लंबा चौड़ा कर देते हैं। स्व होगा शीतस्पर्श, उसका समवायी होगा जल, जल में संयुक्त हो गया वस्त्र। छोटे छोटे जल कण है होते ना ठंडी में, हाँ, उसमें समवाय संबंध से रहेगा जल, इसका समवाय कारण हो गया ना। शीत स्पर्श का समवाय कारण हो गया जल, और जल का संयोग किधर हो गया? वस्त्र में हो गया। मतलब परंपरा से कहने का, वेदांत नहीं आता है तो परंपरा से शीत स्पर्श रहेगा दूसरे में, लेकिन साक्षात संबंध मतलब समवाय संबंध, इतना समझ में आ लो। साक्षात संबंध से शीत स्पर्श कहाँ रहेगा? दूसरे में नहीं रहेगा, परंपरा से भले मानो, इसी का नाम हो गया जल। लग गया? ताहा द्विविधा, हाँ पढ़ लिया ना कि नहीं पढ़ा? पढ़ी। ता कहने से आप हो, वो जो है जल वो दो प्रकार के है, नित्याह अनित्याश्च। एक नित्य जल, दूसरा है अनित्य जल। नित्य किसको कहते हैं? जिसका प्रागभाव नहीं होता है अथवा जिसका ध्वंस नहीं होता है, उसको बोलते हैं नित्य। नयक लोग भाषण में ना ऐसा कहते हैं, इसलिए प्रागभावा है क्या, हाँ प्रतिजोगित्व सति, प्रागभावा प्रतिजोगित्व सति, ध्वंसा प्रतिजोगित्व वा, बोले जिसका प्रागभाव नहीं होता है, जिसका ध्वंसा नहीं होता, उसको कहते हैं क्या? नित्य। नयक क्यों, नयक क्यों सर? नहीं, प्रागभावा प्रतिजोगित्व सति, ध्वंसा प्रतिजोगित्व, मतलब क्या अर्थ निकला? जिसका प्रागभाव न हो, जिसका ध्वंस न हो, उसको कहते हैं नित्य। भाषण में और अनित्य क्या होगा? जिसका प्रागभाव होता हो, जिसका ध्वंस होता हो। प्रागभाव प्रतियोगितम, ध्वंस प्रतियोगितम, ये सब आएगा पदकृत्य में, है ना। पहले समझ करके आगे बढ़ना है,
ठीक है नारायण। तो देखो, एक नित्य जल हो गया, एक अनित्य जल हो गया। नित्य है परमाणु रूप, जो परमाणु रूप जो जल है, रूप मतलब परमाणु रूप मतलब क्या, रूप का अर्थ स्वरूप, परमाणु जो स्वरूप होगा वो होगा नित्य जल। और अनित्य कार्य रूप, जो कार्य स्वरूप जल होगा उसको क्या कहेंगे, अनित्य। क्या अनित्य, हाँ अनित्य जल, अनित्य जल कहा जाएगा जो कार्य रूप होगा। कार्य रूप होगा मतलब इसका प्रागभाव होगा जिसका ध्वंस होगा, ऐसे हैं जो है अनित्य, ऐसे कार्य रूप जल को कहेंगे अनित्य जल। आगे समझ में। अब पुनः त्रिविधा, वही अनित्य जल जो है कार्य रूप जल, वो कितने प्रकार के हैं, पहले की तरह पृथ्वी की तरह हो गया, शरीर इंद्रिय और क्या है विषय, बराबर है, शरीर इंद्रिय और विषय। शरीरम वरुणालोके, भाई इसमें क्या प्रमाण है, हाँ कि जल से होने वाला शरीर, तो पृथ्वी से होने वाला शरीर तो हो सकता है, जल से होने वाला शरीर कहाँ दिखता है, हाँ इसमें क्या प्रमाण है, जल से होने वाला शरीर में क्या प्रमाण है, मतलब शास्त्र प्रमाण है, क्या प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। शास्त्र क्या बोलते हैं, वरुणालोके, जल से होने वाला जो शरीर है ना वो वरुण देवताओं का होता है, वरुण लोग में जो देवता लोग रहते हैं ना उनका शरीर किससे बनता है, जल से बनता है। हाँ केवल जल से तो भोग होगा नहीं, हाँ उसमें पृथ्वी भी रहेगी ना, हाँ और तेज भी रहेगा, क्या तेज नहीं रहेगा तो फिर देवताओं को भोजन कैसे पचेगा, तेज भी तो चाहिए ना, हाँ तो वायु नहीं रहेगा तो प्राण कैसे चलेगा, हाँ ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ तो फिर जो है जलीय शरीर कैसे होगा, कल बताया ना मैंने, हाँ जल जहाँ पर उपादान कारण हो, समवायिक कारण, जिस शरीर का जल क्या हो, समवायिक कारण हो, और बाकी बाकी भूत निमित्त कारण हो, ऐसे शरीर को क्या बोलेंगे, जलीय शरीर है ना। तो कौन सा शरीर को पार्थिव शरीर कहेंगे, समवायी, और बाकी भूत निमित्त कारण, हाँ उसको क्या बोलेंगे, पार्थिव शरीर कहेंगे। इसी प्रकार बाकी में भी समझ लो, ठीक है। तो शरीरम वरुणालोके, जलीय शरीर वरुण लोक में है, इसमें क्या प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण, इतना ऊपर से समझ लो। और जल से होने वाला जो इंद्रिय है उसका नाम है रसनेन्द्रिय, उसका नाम रसनेन्द्रिय। ये देखो लिखे हैं, इंद्रियम रसग्राहकम रसनम, देखो लक्षण क्या हुआ, कौन बोल सकते हैं, हाँ है ना, इंद्रियत्व सति रसग्राहकत्वम, ये हो जाएगा किसका लक्षण, रसनेन्द्रिय का लक्षण हो गया, रसनेन्द्रिय का लक्षण, हाँ मतलब जो इंद्रिय रस ज्ञान का हेतु हो, क्या समझ है, जो इंद्रिय रस ज्ञान का हेतु हो ऐसी इंद्रिय को बोलेंगे क्या, रसनेन्द्रिय, क्या कहेंगे, रसनेन्द्रिय, बराबर है कि नहीं, ऐसा है, हाँ रसनेन्द्रिय दिखती है क्या, नहीं दिखती है क्या, मैंने पूछा, नहीं दिखते है ना, तो नहीं दिखते तो कैसे मानोगे, रसनेन्द्रिय जो दिखेगी नहीं तो मानोगे कैसे, नहीं दिखने पर ही मानोगे, अरे ना दिखने पर भी मानना पड़ता है अनुमान से क्या है, हाँ रस का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, क्या रस का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, हाँ लड्डू खा लिया, लड्डू खा लिया तो रस का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, हो गया क्या जी, ज्ञानवत्तम दृश्यत्व, मतलब जिसका ज्ञान हो जाएगा हाँ दृश्य तो है, दृश्य तो है, है ना। तो कहने वाले रसनेन्द्रिय को क्यों मानते हो, कहने को रसनेन्द्रिय अनुमान का विषय है, तो रस का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, तो रस ज्ञान भी कार्य है, उसका कोई ना कोई कारण होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा,
रस ज्ञान हो रहा है ना, रस ज्ञान तो हो रहा है, तो रस ज्ञानम मधुरम इति ज्ञानम, मधुरम इति ज्ञानम सकारणकम कार्यत्वात् कार्यत्वात् छिदी क्रियावत्। अनुमान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? छिदी क्रिया मतलब क्या, काटते हुए ना, तो काटते हुए तो उसका कारण कौन है, कुठार कुलाड़ी, इसमें अगर रस ज्ञान भी हो रहा है इसका कोई ना कोई कारण होगा कि नहीं होगा, वो कारण कौन है, रसन इंद्रिय मानना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए इंद्रिय अतिंद्रिय होता है, इंद्रिय मतलब इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अनुमान से माना जाता है। पकड़ में आए कि नहीं आए? चलो, वो कहाँ रहती है, जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वाग्रवर्ती कहने से सामने सामने है ना, विषय मृत पाषाण आदि ही, हाँ मृत पाषाण बोल दिया, सरित समुद्र आदि, हाँ सरित समुद्र आदि ही, हाँ तो सरित समुद्र ये सब समुद्र है, तालाब है, ये सब ले लो और क्या है, आदि से और ले लो है ना, कुआं है, कुआं कुआं भी ले लो, बापी बापी कुप तड़ाग आदि सब ले लो और क्या, कि नहीं ऐसा है ना, आइसक्रीम है, आइसक्रीम आइसक्रीम तो जल है और क्या है, आज आइसक्रीम मिला था ना वो जली है और क्या है, आइसक्रीम भी जली है, ठीक है। आजकल होता है, आजकल दूध नहीं मिलता है लेकिन आइसक्रीम की कमी नहीं है, क्या एक क्विंटल मंगाओगे तो कल तुरंत भेज देंगे, तो कहाँ से आ रहा है, दूध नहीं मिल रहा है और आइसक्रीम मिल रहा है बताओ, बोलेंगे खांटी दूध से बना है आइसक्रीम बोलेंगे, है ना। चलो ये हो गया विषय सरित समुद्र आदि ही, तो विषय का लक्षण क्या बताया अभी बोलो, शरीर इंद्रिय, हाँ शरीर इंद्रिय भिन्नत्व सति उपभोग साधनत्वम, ये हो जाएगा ना, शरीर इंद्रिय भिन्नत्व सति क्या, उपभोग साधनत्वम, शरीर इंद्रिय से भिन्न हो और उपभोग का साधन हो वो परमाणु भी है कि नहीं, क्या क्या कह रहे हैं, नहीं क्या कह रहे हैं, बोलिए बोलो, कौन परमाणु भी है तो लक्षण तो चला जाएगा उस समय, नहीं जाएगा, हाँ इसलिए बुद्धि और एकाग्र करते हैं तो जन्यत्व सती क्या करते हैं जन्यत्व जन्यत्व सती शरीर इंद्रिया भिन्नत्व सती उपभोग साधनत्व ऐसे बोल देते हैं। चलो ये तो आगे आएगा सब, है ना, हो गया जल का, उसके बाद चलो उष्णा स्पर्शवत् तेजः, उष्णा स्पर्शवत् तेजः तच्च द्विविधम्, तच्च द्विविधम् नित्यम अनित्यम च, नित्यम अनित्यम च नित्यम परमाणु रूपम, नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम, अनित्यम कार्य रूपम पुनस्त्रिविधम्, पुनस्त्रिविधम् शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्, शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम आदित्यलोके प्रसिद्धम्, इंद्रियम रूपग्राहकम् चक्षुः, इंद्रियम रूपग्राहकम् चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती, कृष्णताराग्रवर्ती विषयः चतुर्विधः, विषयः चतुर्विधः भौम दिव्य औदर्य करज वेदा, भौम दिव्य औदर्य करज वेदा भौमं वह्न्यादिकम्, भौमं वह्न्यादिकम् अविंदनम दिव्यम विद्युतादि, अविंदनम दिव्यम विद्युतादि भुक्तस्य परिणाम हेतुर औदर्यम्, भुक्तस्य परिणाम हेतुर औदर्यम् आकर्यम सुवर्णादि, आकर्यम सुवर्णादि। देखो तेज पृथ्वी जल तेज, तेज का लक्षण होता है उष्ण स्पर्शवत्वम, उष्ण स्पर्शवत्वम ये तो लगा दो, ठीक है उष्ण स्पर्श जहाँ रहेगा समवाय संबंध से
उष्ण स्पर्श जहाँ रहेगा समवाय संबंध से, उसको क्या बोलते हैं? तेज कहते हैं। उसको कहते हैं तेज। उष्ण स्पर्श जल में भी रहता है क्या? रहता है, लेकिन समवाय संबंध से नहीं रहता है, परंपरा संबंध से रहेगा। स्वसमवाय संयुक्त तत्व ऐसे संबंध बोलते हैं वो लोग, है ना। साक्षात संबंध से मतलब समवाय संबंध से उष्ण स्पर्श कहाँ रहेगा? तेज में ही रहेगा, अन्यत्र नहीं रहेगा। उष्ण स्पर्श कहीं नहीं रहता समवाय संबंध से, बराबर है कि नहीं? उसको कहते हैं तेज, उसको कहते हैं तेज, ठीक है नारायण। और वो जो तेज कितने प्रकार, पहले की तरह तच्च द्विविधम, तत् मतलब तेज, तेजस शब्द होता है सकारांत, तेजस। प्रथम एकवचन क्या बनेगा? तेज। द्विवचन क्या बनेगा? तेजसी। क्या बनेगा? तेजसी। समझ में आया? तेजसो नहीं बनेगा, नपुंसक लेंगे। हाँ, नपुंसक च सूत्र नहीं, हाँ, तो सी आदेश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? किसको? औ को, दीर्घ। नपुंसक च सी होता है, दीर्घ होता है, ऐसा में तो तेजसी बन जाएगा। और बहुवचन क्या बनेगा बोलो? तेजांसी। क्या बनेगा? हाँ, तेजांसी हो जाएगा ना। क्या कह रहे हैं? हो जाएगा। सी आदेश, सी आदेश होता है ना, जसो हो सी, और सी सन्नाम स्थानम लोगों में सब है ना। फिर हो जाएगा नूम आगम, हो जाएगा किससे? हो जाएगा नपुंसकस्य जलच, जलंत अंग है ना, तेजस जलंत है, नूम हो जाएगा विदुचंत्यात पर। ये सब जानना चाहिए ना, हो गया ना। चलो, तो यहाँ पर एक वचन तेज तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च, नित्य तेज और अनित्य, पहले की तरह। नित्यम परमाणु रूपम, मतलब जो नित्य है, कौन है? तेज, परमाणु स्वरूप, मतलब तेज का जो परमाणु स्वरूप, उसको कहते हैं नित्य तेज। क्यों कहेंगे? क्योंकि उसका प्रागभाव नहीं होता है, उसका ध्वंस नहीं होता है। किसका? तेज का। तो नित्य जो तेज है ना, परमाणु जो तेज है, उसका प्रागभाव भी नहीं होता, उसका ध्वंस भी नहीं होता। अनित्यम कार्य रूपम, पहले की तरह है ना। पुनः त्रिविधाम एक कहा, और वो जो अनित्य तेज जो कार्य रूप तेज, वो कितने प्रकार? तीन, शरीर इंद्रिय और विषय। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, तेज से बनने वाला शरीर, उसको क्या कहें? तेजस शरीर। तो तेजस शरीर होने में प्रमाण क्या है? शास्त्र। यहाँ पर भी शास्त्र प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तेज से हो, तेज से भी शरीर बनता है, इसमें प्रमाण शास्त्र है। तो कहाँ पर ही प्रसिद्ध है? यहाँ पर तो प्रसिद्ध नहीं है। बोले आदित्य लोग के, आदित्य लोग है ना, उसमें क्या है? उनका शरीर, उसमें रहने वाले जो देवता लोग होते हैं ना, उनका शरीर तेज से बनता, तेज की प्रधानता से। तेज प्रधानता क्या? तेज वहाँ पर उपादान, समवाय कारण। उनका शरीर किससे बनता है? तेज से बनता है, और बाकी सब निमित्त कारण है, पृथ्वी जल वायु ये सब। ठीक है नारायण, ऐसा मानते। और शरीर कितने प्रकार के होते जानते हैं? शरीर कितने प्रकार के, शरीर कितने प्रकार के होते हैं? तीन। क्या क्या? वो नहीं, हाँ वो कह रहा हूँ, कारण शरीर, स्थूल शरीर, वो भी कह रहे हो वेदांत के अनुसार। लेकिन ये स्थूल शरीर की बात चल रही है। स्थूल शरीर कितने प्रकार के हैं? सूक्ष्म शरीर तो सबका बराबर है, लेकिन स्थूल शरीर पहले दो भेद कर लो, एक योनिज और एक अयोनिज। लिखो, एक योनिज और एक अयोनिज, दो प्रकार के शरीर है, ठीक है नारायण। क्या? एक योनिज और एक अयोनिज, धर्म है ना। तो योनिज दो प्रकार के हैं, जरायुज और अंडज। योनिज दो प्रकार के हैं, क्या क्या है? जरायुज और अंडज। जरायुज और अंडज, अंडज
समझ में ना। तो जरायु जानते हैं मनुष्य, हाँ है ना, तो स्त्री के जो शरीर में जो रहता है ना, जहाँ से शिशु आता है बाहर, उसको कहते हैं जरा, है ना। तो जरा को फाड़ करके आता है, कितना कष्ट होता है बताओ, बहुत कष्ट होता है ना। तो जरा से जो निकलेगा उसको कहते हैं जरायु, जरायु बोलते हैं ना, जरायु उसका नाम जरायु है, उसको कहते हैं जरायु। जरायु से जो उत्पन्न होगा उसको जरायु धनमय ना। और दूसरा क्या बोला, अंडज, हैं दूसरा अंडज, अंडज होगा है ना। तो अंडज कौन हो गए, पक्षी है, पक्षी ये सब अंडज हो गए। ये दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, योनिज, इसको कहते हैं योनिज। और दूसरा क्या है बताओ, अयोनिज। अयोनिज का दो भेद कर दो, स्वेदज और उद्भिज। स्वेदज, स्वेदज, और दूसरा उद्भिज। हाँ ठीक है, स्वेदज जानते हैं ना, पसीने से जब बन जाते हैं, पसीने से बनते, हाँ ये सब हो जाता है कि नहीं। स्वेदज और दूसरा उद्भिज क्या है, वृक्ष आदि जमीन को फाड़ करके निकलते हैं, जमीन को फाड़ के निकलते, जमीन को फाड़ कर निकल गए सीता मैया, सीता मैया निकल गए ना जी। वो भी अयोनिज है, वो भी क्या है, अयोनिज होगा, होगा ना, अयोनिज वो भी हो गया। धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न द्रौपदी अग्नि से निकले ना, अग्निकुंड से, कौन द्रौपदी, हाँ अग्निकुंड से निकले नहीं, हाँ उसको क्या कहेंगे, वो भी अयोनिज होगा, अयोनिज हो जाएगा नहीं, ऐसा होता है लग गया। इस प्रकार मनु ऋषि, मनो मनो मनु ऋषि जो उत्पन्न है ना, वो क्या है, योनिज है कि अयोनिज है, वो भी अयोनिज है। कर्ण, कर्ण कहाँ से हुआ, कर्ण तो योनिज में, कान से निकला, कान से निकला है, इसलिए उसका नाम कर्ण पड़ गया, कान से निकला, तो कान से निकला तो फिर इसको क्या कहेंगे, फिर अयोनिज करना पड़ेगा। ऐसे कई है ना, होते हैं ऐसे ही। अरे गणेश जी प्रकट हो गए, क्या करोगे, गणेश जी प्रकट हो गए कि नहीं हो गए, गणेश जी ऐसे कर बना दिया सीता, ये माता पार्वती बना दिया, तो वहीं खड़े हो गए कौन, गणेश जी, क्या कहेंगे उसको, योनिज है क्यों, योनि अयोनिज कहना है। हाँ कार्तिक भी, कार्तिक, कार्तिक महादेव की जो है ना। चलो ये सब ले लो, तो चार प्रकार के शरीर होते, पहले दो भेद करो फिर उसको फिर दो दो कर लीजिए, आगे बढ़े जी। तो इंद्रियम आज कहाँ चला गया, तेज का चल रहा है ना, इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु कृष्ण तारा अग्रवर्ती, ठीक है। देखो तेज से बनने वाले इंद्रियों को क्या बोलते हैं, चक्षुर इंद्रिय, उसका लक्षण हो गया इंद्रियम रूपग्राहकम, इंद्रियत्व सति रूपग्राहकत्वम, इंद्रियत्व सति रूपग्राहकत्वम, मतलब रूप का जो जनक, रूप ज्ञान का जो जनक, जो इंद्रिय रूप ज्ञान का जनक हो उसको क्या कहेंगे, चक्षुर इंद्रिय कहेंगे, उसको चक्षुर इंद्रिय। इसमें भी क्या प्रमाण आएगा, अनुमान होगा, रूप ज्ञान हो रहा है ना, है ना, रूप ज्ञान हो रहा है, देखने से रूप ज्ञान हो रहा है कि नहीं, हाँ रक्तम, रक्तम पुष्पम श्वेतम पुष्पम, रूप ज्ञान हो रहा है, तो रूप ज्ञान भी कार्य है घट की तरह, छेदन क्रिया की तरह, उसका भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए, है ना, ठीक है ना। रक्तम घटम घट, रक्तम पुष्पम, रक्तम पुष्पम इति ज्ञानम सकर्णकम कार्यत्वात् छिदि क्रियावत, हो जाएगा अनुमान। इसका कारण कौन होगा, रूप ज्ञान का जो है चक्षु, अनुमान से हो जाएगा, चक्षु नहीं दिखते, ये गोलक है ये, इसलिए बोल रहा, देखो कृष्ण तारा अग्रवर्ती है ना, बोल लिया ना, कृष्ण तारा यही यही, इसमें चक्षुर इंद्रिय रहती है, इंजन इंजन है ये, हाँ ये गोलक है, दिखाई दे रहा है गोलक है ये, चक्षु नहीं है, चक्षु का ये गोलक,
बोले डिब्बा है ये इंजन नहीं है ये। चक्षु क्या है? इंद्रिय, इंजन है वो खराब नहीं होती है, गोलक खराब होता है। ठीक है। विषयश चतुर्विध, तेज का जो विषय वो कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के हैं। तेजस विषय चार प्रकार के, चतुर्विध, विध मतलब प्रकार। ठीक है। तो देखे यहाँ पर लिखते हैं भौमा, भौमा तेज कहेंगे, क्या कहेंगे? भौमा तेज, है ना। भौमा तेज क्या है? आगे लिखेंगे वन्यादिकम। भूमि क्या है? काष्ठ। तो काष्ठ जितना डालते हैं उतनी अगली प्रज्वलित होगी ना, तो काष्ठ के निमित्त से जो तेज है उसको क्या कहते हैं? हाँ, भौम। भूमि है काष्ठ आदि, उसके निमित्त से जो तेज होगा उसको कहेंगे क्या? भौम तेज। समझ में आया ना? ऐसा है ना। और दूसरा क्या कह दिया? दिव्य, दो दिया ना, भौमम बन्यादिकम, बन्य वाला काष्ट आदि के जो बन्नी है। आदि से क्या लेंगे? आदि से क्या लेंगे? अरे खद्योत नहीं होता है, जुगनु, जुगनु जो रात में दिखता है जुगनु, उसका जो तेज है ना वो भी क्या है? वो भी भौम, उनके शरीर में तो है वो। हाँ, शरीर खत्म हो गया तो अब भी चलेगा? शरीर यदि खत्म हो गया तो कहाँ जलेगा? प्राण निकल गया कि नहीं, अब जलेगा नहीं वो, ऐसा होता है। ये भी भौम तेज है, लग गया। दूसरा क्या कह दिया? दिव्य, ऑफ इंधनम दिव्यम, देखो लिख दिया यहाँ पर, है ना, जो तेज का ईंधन को ऑफ हो, जल जल, अरे मेघ गरजता है कि नहीं ऊपर, हाँ, तो वहाँ पर ईंधन क्या है? कौन सी लकड़ी है वहाँ पर? अरे ऊपर जो बिजली चमकती है उसकी लकड़ी कौन है? जल ही है। जल में टकराव होता है, मेघ में टकराव होता है तो बिजली होती है वहाँ पर। इसलिए उसका ईंधन कौन हो गया? जल। अप, अप ईंधनम, जैसे ऐसा है, दिव्य हो गया, दिव्य, उसको कहते हैं दिव्य तेज। जैसे विद्युत कह दिया, हाँ, और वहाँ पर आदि से क्या लेंगे? सूर्य है, चंद्रमा है, उसका जो तेज है। समझ में कि नहीं है? ऐसा कह दिया, हो गया। और आगे क्या कह दिया? हाँ, और भुक्तस्य परिणाम हेतु ओदर्यम, एक ओदर्य तेज होता है। ओदर्य तेज क्या होता है? जो खाया गया जो अन्न है, भुक्तस्य, खाया गया जो अन्न है ना, उसमें जो परिणाम होता है, परिणाम मतलब पाक, अरे पचेगा ना अंदर, तो पचाने का काम कौन करता है? तेज करता है। हाँ, जठराग्नि जिसको बोलते हैं उसको कहते हैं ओदर्य। उदरे भवम इति ओदर्यम, उदर में रहेगा ना, उदर में रहेगा, उसको कहते हैं ओदर्य तेज, जो कि हेतु है। किसका हेतु? पाक, पाक मतलब परिणाम, मतलब पचना, जीर्णता। ठीक है। आकरजम सुवर्णादि, एक सु है ना, आकरज तेज, क्या तेज है? आकरज, आकरे जातम इति आकरजम। आकर किसको बोलते हैं? हाँ, खजाना, खजाना, सोना, हाँ, खदान, खदान जिसको बोलते हैं ना, खदान, खदान को बोलते हैं आकर, आकर नहीं, आकर बोलते हैं। तो आकर में जो उत्पन्न होगा उसको क्या बोलते हैं? आकर। यह कौन है? सुवर्ण, सुवर्ण आदि से ये सब जो होते हैं आकर या तेज बोलते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो सुवर्ण आदि कह दिया ना, इसमें टिप्पण में दिया है, सुवर्णम रजतम ताम्रम रितिः कांसम तथा त्रपु शीशम कालायसम चैवम अष्टो लोहानी चपचते, इसमें दिया है, देखो है ना। ये आठ को कहते हैं, क्या कहते हैं? आकर। यह इसको तेज मानते हैं ये लोग, आगे हम बताएंगे। हैं, आठ क्या क्या है? सुवर्ण, सोना, सुनो रुको, रज मतलब चांदी, ताम्र जानते हो, तामा, हैं, हाँ, उसके बाद क्या कह दिया? नहीं रुको, ताम्र के बाद रीति, रीति क्या है भाई?
रीति पित्तल को बोलते हैं। रीति किसको कहते हैं? पित्तल को बोलते हैं। कांसा भी जानते हैं, कांसा कांसा पहले सब बर्तन होता था, कांसे के बर्तन, कांसे का बर्तन, कांसे का अच्छा होता है, हैं? कांसे का अच्छा। आजकल स्टील वगैरह क्या क्या सब खाते हैं, एल्युमिनियम में सब, हाँ। इंग्रेज लोगों तो है ना, किसको खिला देते हैं एल्युमिनियम में? अरे कैदियों को खिला देते, कौन? इंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग, ये कमज़ोर हो जाए, बीमार पड़ जाए, मतलब जेल में ही ख़त्म हो जाए, है कि नहीं? एल्युमिनियम आजकल सब एल्युमिनियम ही खाते हैं सब, नहीं खा रहे हैं? ये कुकर किससे बनता है? दाल बनाते कुकर में, चावल बनाते हो, क्या क्या बनाते हो, है ना? उसमें कुछ रस नहीं रहता है। जल्दी जाएंगे, हैं? जल्दी जाएंगे, जल्दी जाने की तैयारी है, ये सब होता है ना? हाँ चलो, ये हो गया रीत कांस्य। त्रपु, त्रपु रांगा, रांगा रांगा जानते हैं? अरे सोल्डिंग करते हैं ना, वो रांगा बोलते हैं। अरे मोबाइल रेडियो में जो सोल्डिंग करते हैं ना, ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, हाँ वेल्डिंग, हाँ वेल्डिंग बोलते हैं ना उसको, हाँ वेल्डिंग, हाँ वो रांगा से करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? त्रपु। शीशम जानते हो? शीशम, अरे शीशम वाला शीशा, पेंसिल, वो शीशा बोलते हैं ना, है ना? शीशा, आजकल शीशा मतलब दर्पण को शीशा बोलते हैं, नहीं? अच्छा, और क्या काला ऐसा मतलब क्या? कोयला, काला ऐसा कोयला, ये सब क्या है? तेज है, इसको तो आकर्ज तेज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।